राजवीर चलिए हमारे साथ, कुछ जरूरी काम है। जी मैम, आप जाके फ्रेश हो जाइए, हम अभी आते हैं। माँ आखिर बात क्या है ये तो बताइए। हेलो अभय, राजवीर हमारे साथ, बताइए क्या हुआ है वहाँ। वेट अ मोमेंट मैम, शालिनी उन लोगों से लगातार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए। मनीष यू हिमाचल के स्पोक्स पर्सन से बात लगातार कीजिए। कीप कॉलिंग हिम अंटिल ही आंसर, ओके। क्राइसिस का वक्त है ना, हिमाचल डिवीजन के कुछ एमएलए पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अपनी ही पार्टी के लोगों और सपोर्टर्स में विचारधाराओं को लेकर काफी बहस और हाथापाई हुई है, जिसके चलते कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। अगर जल्दी हमने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम वहाँ पहुँचने की तैयारी करते हैं। नो मैम, वहाँ के हालातों को मद्देनजर रखते हुए आपको नहीं बल्कि राजवीर को जाना चाहिए। ये लड़ाई नई और पुरानी सोच की वजह से हुई है। नई जनरेशन जो कि राजवीर के डाई हार्ड फॉलोवर्स हैं, उनको राजवीर ही कंट्रोल कर सकते हैं। ओल्ड और न्यू स्कूल में ब्रिजिंग का काम राजवीर ही कर सकते हैं। ठीक है ना, हम ही जाते हैं। वेल डन अभय, अपना काम हो गया। राजवीर अब हिमाचल की वादियों में जाए और वहां के लुत्फ उठाए, पर इसके लिए आपको एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। You don't worry, ma'am. इसका परमानेंट सोल्यूशन भी मिल जाए। नंदिनी राजवीर की कभी नहीं है, क्योंकि नंदिनी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। राजवीर जी क्या बात है, मासा ने आपसे क्या कहा? हमें हिमाचल जाना होगा। अगर हम अभी भी निकलते तो हिमाचल हम सुबह से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। 10 घंटे तो कम से कम लगेंगे, और पहाड़ी रास्ता है, रात की ड्राइविंग भी सेफ नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन जाना भी तो जरूरी है ना। हाँ वो तो है, लेकिन हम कल सुबह के चार्टर्ड प्लेन से भी जा सकते हैं। नहीं, कल शाम को 7 बजे दिव्या की सगाई है, अगर आप अभी जाएंगे तो कल शाम तक लौट पाएंगे। ठीक है। Siddhart, thank you so much for coming and for all the help today. You're welcome. वैसे दीदी और जीजू को कैसा लगा रूम? Siddhart, are you nuts? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कबाब में हड्डी हूँ कि मैं भैया और भाभी के पीछे पीछे कमरे तक चली जाऊँ? हाँ? वैसे दिव्या, you guessed it right. मुझे nuts और कबाब दोनों बहुत पसंद है। Siddhart, कितना गंदा जोक था ये। वैसे दिव्या, तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए हमेशा हंसती रहा करो। वैसे तुम्हें पता है सिद्धार्थ, भाभी आज घर आ गई ना, आई एम रियली वेरी हैप्पी। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, वरना तुमसे मिलने का तो बहाना ही नहीं रहता मेरे पास। वैसे कल तुम्हारी सगाई है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो हेलो
Are you there? Hello? हाँ सिद्धार्थ. वैसे कल तो बहुत बिजी होगी ना तुम, सजना सवरना, ब्यूटी पार्लर वगैरह वगैरह. मन ही मन में लड्डू फूट रहे हैं ना तुम्हारे. सिद्धार्थ मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है. बाय. सगाई उसकी हो रही है, पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है? हेलो माय डियर वाइफ. आप गए नहीं? जाने की कोशिश तो बहुत की, दिल को समझाने की भी, लेकिन दिल ही नहीं माना. तो हमने ही दिल की मान ली. कल सुबह हम अपने प्लेन से चले जाएंगे और शाम को दिव्या की एंगेजमेंट से पहले हम वापस आ जाएंगे. पर राजवीर जी. अब कहीं जाने की कोई बात नहीं होगी. पावर, सत्ता, कुर्सी, ये सब किसी के नहीं हुए, लेकिन आपका और हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है. इसीलिए हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी आप है. अरे रोना नहीं, इन आंसुओं की अब कोई जगह नहीं. आपको पता है नंदिनी, I'm so lucky क्योंकि आप जो हमारे साथ हैं, I'm so happy. अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे. I love you नंदिनी. I love you too. कब सीधी राह चला
तो मुड़ जाने दो। खुशबू तुझो पास आई, तुझो पास आई, तुझो पास आई। राजवीर जी, राजवीर जी, ये क्या नंदिनी, आपने सुबह सुबह हमारा सारा सरप्राइज बिगाड़ दिया। हमने सोचा कि हम आकर आपको उठाएंगे। आप पर आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं थी? ये कहाँ लिखा है कि हमेशा पत्नी अपने पति के लिए कुछ कर सकती है? लेकिन राजवीर जी, इस सब की जरूरत ही नहीं थी। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही कि अपने पति से बेटी बनवा रही हूँ मैं। जिसे जो सोचना है सोचने दीजिए, अब हमें कोई बहस नहीं चाहिए। आप जाइए और लेटिए और सोने की एक्टिंग कीजिए। अब लेटिए और अपनी आंखें बंद कीजिए, और जब तक हम ना पुकारे आप आंखें मत खोलिए, और जब हम बोलेंगे तब आप अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंख खोलिए। ठीक है? ठीक है। Morning, love. Your bed tea is ready. अब चाय पीजिए। बहुत अच्छी है। अब पूरी पीजिए। ग्रेट, सुबह सुबह इतनी अच्छी चाय पिलाई, हमारा कुछ तो हक बनता है ना? हाँ, तो बताइए आपको क्या चाहिए? चलिए दीजिए, हम आपके अब करीब भी आ गए। क्या दीजिए ना? हाँ, पर क्या? एक काम करते हैं, हम अपनी आग बंद करते हैं, फिर आप हमें दे दीजिए। ठीक है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या चाहिए। एक काम कीजिए, अब आप अपनी आंख बंद कीजिए और हमें जो चाहिए हम ले लेंगे। ठीक है? चलिए आंख बंद कीजिए। आप आंख बंद कीजिए।
मॉर्निंग मासा। नंदिनी, नंदिनी ये चीटिंग है सर, ऐसा ना इंसाफी है। आप बाहर आइए और हमें हमारा हक दीजिए। चलिए दरवाजा खोलिए। राजवीर जी, दिव्या की आज सगाई है, बहुत काम बाकी है, जाइए आप। मासा, आपकी आंखों को देखकर लग रहा है कि जैसे आप सारी रात सोई नहीं। क्या बात है, राजवीर की याद में सारी रात बिता दी? नहीं, उन्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नंदिनी, जब हार ही गई हो तो हार मान ही लो ना। मासा, क्या मैं ये न्यूज़पेपर ले सकती हूँ? चलिए छोड़िए नंदिनी, आप सिर्फ अपनी चिंता कीजिए, देश की चिंता करने के लिए हम हैं। चिंता तो अब आपको अपनी करनी होगी, क्योंकि हिमाचल में हमारी पार्टी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कहीं कोई खबर ही नहीं आई, ना कोई टीवी न्यूज में और ना ही तमाम न्यूज़पेपर्स में। तो बस अभी आप ये जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है ना मासा, वही पढ़ना बाकी है। सोचा न्यूज आप ही ने दी है तो आप ही के न्यूज़पेपर में होगी ना ये स्पेशल न्यूज। तो बताइए, राजवीर जी को पढ़ा दूं मैं ये न्यूज़पेपर? एक मिनट, न्यूज़पेपर पढ़ा दूं? मतलब? आपने बिल्कुल सही सोचा, राजवीर जी हिमाचल गए ही नहीं, वो यही थे सारी रात। What rubbish? मतलब आप? मैंने आपसे कहा ना मासा, उन्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब हार जाए तो हार मान लिया कीजिए। जी मैम, कहिए। इस दो टके की लड़की से हमने फिर से मात खा ली। राजवीर और नंदिनी ने यही रात गुजारी है फूलों की सेज पे। जिस बात का हमें डर था और हम रोकना चाहते थे वही हुआ। मतलब हिमाचल? हाँ, राजवीर हिमाचल नहीं गए, वो यही है। हेलो अभय, हेलो। I love her. नंदिनी राजवीर की कभी नहीं हो सकती, वो उसे कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने नंदिनी को प्यार कभी किया ही नहीं। अरे वो क्या देना, प्यार क्या होता है? प्यार तो मैंने किया है नंदिनी से, मैंने। राजवीर doesn't deserve you. मैं उसे ऐसे नहीं खो सकता, नहीं खो सकता मैं उसे ऐसे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगेंगे ना? I will kill you.
तुम मेरी नंदिनी को मुझसे नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। नंदिनी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी।